चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कंप्लीट किया, अब हम क्वेश्चन 9 को देख लेते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन 9? अब सॉल्व करना है हमें क्या, क्वेश्चन नंबर 9। कुछ नहीं करना है, इस डिजिट को चेंज कर दें। चलिए क्वेश्चन है हमारा 3 5z - 7 ब्रैकेट क्लोज -2 9z - 11 माइनस दिख रहा है, छोटा हो गया, इक्वल टू क्या है 4 8z - इधर भी आ गया ना, तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। एट जेड माइनस थर्टीन माइनस सेवेंटीन, क्वेश्चन सभी को दिख रहा है। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व होगा, पहले इससे इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे सभी में बारी बारी से, उसके बाद हम लोग जेड वाले टर्म्स को सेपरेट करेंगे, ठीक है। 3 को 5z से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 3 5 15z, ठीक है। और यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 3 7 21 ना, उसके बाद माइनस प्लस माइनस, 2 को 9 से करेंगे तो 2 9 18z, माइनस माइनस प्लस 11 2 22 इक्वल टू 4 को जब 8 से करेंगे तो 8 4 32z, ठीक है। यहाँ पे प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, 4 को जब 13 से करेंगे तो 52, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है -17। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जेड वाले टर्म्स को सेपरेट करेंगे और नंबर वाले टर्म को सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं, ये देखिए 15z है और यहाँ पे कितना है 18z ना, उसके बाद तो कुछ नहीं है, तो यहाँ देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, 15 में 18 को घटाना है या फिर 18 में 15 को घटा दो, कितना हो जाएगा -3z, ठीक है, माइनस वाला साइन बड़ा है ना। अब यहाँ देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में, तो 22 में 21 जाएगा, कितना बचेगा, प्लस 1 बचेगा, क्लियर है। तो ये घटा लिए, 1 आ गया। अब इधर देखिए जेड वाला टर्म सीधा कितना है 32z, तो इधर ले आते हैं ना -32z, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे अब क्या बचा -52। अच्छा यहाँ पे ना जोड़ देते हैं इसे, अब यहाँ पे क्या बचा माइनस माइनस, प्लस हो जाएगा ना, 52 में 17 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा -7 2 9 और 5 1 6, क्लियर है सभी को। इसके बाद देखते हैं, बहुत परेशानी, -3z है यहाँ पे और यहाँ -32z है ना, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, 32 में 3 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 35z। इसके बाद देखिए ये -69 है, तो -69 और यहाँ +1 है ना, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं हम लोग -35z इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन रहेगा माइनस का, क्या हो जाएगा ये 69 में 1 ऐड करेंगे 70, ठीक है 70। इसके बाद जेड इक्वल टू -70 / ये -35 नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 35 2 70, ठीक है। तो हमारा आंसर जेड इक्वल टू क्या आ गया, हमारा आंसर जेड इक्वल टू क्या आ गया, देयरफॉर जेड इक्वल टू 2 आंसर। इसे आप नोट कर ले,